भाई साहब पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो, क्योंकि अब हमें गैस भी जो है ना वो तबरुक की तरह, शीरनी की तरह छोटी छोटी सी बांट के दी जाएगी। इस तरह घर में बच्चों को जो है ना वो गोल्डन छोटे से गिलास में वो भी आधी भर के दी जाती है, उसी तरह हमें निक्की निक्की सी गैस दी जाएगी। भाई सुबह उठो के नाश्ता बनाने को मिल जाएगी, दिन और रात का खाना बनाने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको रोटी गर्म करनी है, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, आपको चाय बनानी है, आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको कॉफी बनानी है, आपको सूप बनाना है, आपको जो है वो किसी दिन खाना ज्यादा बनाना है, घर में किसी की आपने दावत रख रखी है, बच्चे को भूख लग रही है, उसके लिए दलिया बनाना है, अंडा उबालना है, सूजी बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो आपको अपनी औकात में रहना पड़ेगा, क्योंकि गैस की औकात नहीं होगी भैया। मतलब यार हम मतलब देखिए ना, खान साहब एक बड़े विजनरी आदमी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मदीने जैसी फलाई रियासत बनाना चाहता हूं। मामला यह कि मदीने की फलाई रियासत बनाने के लिए सूदी निजाम को, सूदी मईशत को खत्म करना है। इन्होंने कहा भैया ना मैं करना चाहता हूं ना अपनी औकात में, आप तो करेंगे ही नहीं, इसी के अंदर भेड़ चाल के अंदर चलाते रहो, आइए मैं कर्जे लेते रहो। मैंने कहा था हाथ पाथ नहीं फैलाऊंगा, कहते थे ना कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हाथ भी फैला लिया, पैसे भी ले लिया, कौम को कर्जों के अंदर डुबो भी दिया। ये कहते थे मदीने की रियासत बनाऊंगा, सस्ताई करूंगा, सस्ताई के नाम पे ऐसी सस्ताई की 145 रुपए पे पेट्रोल लेगा। इन्होंने कहा था मदीने की रियासत के अंदर से फाशी और यानी खत्म करनी पड़ती। इन्होंने कहा मैं वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे महफिश हयात बहुत पसंद है ना, इसलिए उलमा कराम के साथ मैं उसको भी तमगे पेश करवा देता हूं। इन्होंने कहा मदीने की रियासत बनाऊंगा तो अब उसके अंदर ये होगा ना कि अपनी तनख्वाह एक आम आदमी की तनख्वाह के बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि यही खलीफा किया करते थे कि जितना एक आम मजदूर एक आम आदमी कमाता था उतना ही खलीफा भी जो है वो वजीफा ले लिया करता था। इन्होंने कहा मैं वो भी नहीं कर रहा यार, 3 लाख रुपए तनख्वाह रखो, लल्ले तल्लो में उड़ाते रहो, दो आदमी है, सारी चीजें जो है वो बाहर से मरात की मद में मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद तनख्वाह मैं पूरी लूंगा, बल्कि ज्यादा ज्यादा बढ़ा के लूंगा, ये भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा मदीने की रियासत बनाने का निकालो सिंपल फॉर्मूला, क्योंकि ये जिस तरह स्मार्ट लॉकडाउन लाए थे ना, उस तरह की स्मार्ट मदीने की रियासत ला रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो उस दौर के अंदर भी लोगों के पास गैस वैस तो थी नहीं, वो लकड़ियों के ऊपर खाना बनाते थे, लिहाजा कौन से गैस छीनो, इन्हें लकड़ियों के खाने पर लगा दो, ताकि जिस तरह उस दौर में खाने बनते थे उसी तरह यहां भी बनने लगे। मतलब खुदा की कसम यार, हम 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटॉमिक पावर है, हम बहुत सारी चीजों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में कांड क्या मचे हुए हैं, हमारी तरफ बर्बादी क्या लगी हुई है कि आपके पास गैस ही नहीं है। मतलब यार कोई बात है यार, आप इन चीजों को हल करें, सनतें बंद हो रही हैं, गरीब आदमी, मतलब देखिए ना यार, गरीब आदमी क्या करेगा, मतलब उसके अगर टाइमिंग निकल गई, गरीब की जिंदगी है भैया कि गरीब जो है वो सुबह से शाम तक जानवरों की तरह मेहनत करता है, गधों की तरह मेहनत करता है, बच्चों की ख्वाहिशात को मारता है, अपनी पसंद नापसंद को मारता है, बिरयानी खाने का दिल करता है, नहीं खरीद सकता, नहीं बना सकता, सारी ख्वाहिशात को कतल करके इस महंगी हुकूमत के अंदर वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि भैया कि चलो दो वक्त की रोटी पेट में उतार सके, लेकिन अगर वक्त गुजर गया, उसको घर आने में देर हो गई, वो सामान नहीं ला सका, घर में कुछ नहीं था, तो वक्त गुजर गया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको भूखा सोना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी जो है वो बाहर से खरीदने की हैसियत इस्तेदाद नहीं रखता। लेकिन ये एक नई तुक लेकर आ गए, दुनिया में कहीं नहीं होता यार, पाकिस्तान में हो रहा है। खुदा की कसम इमरान खान साहब, मतलब आप तब्दीली लेने आए थे, तब्दीली का नाम लेकर आप जो है ना मुल्क को जन्नत बना रहे थे, आपने जहन्नम बना के रख दिया यार। लोग मतलब मैं क्या कहूँ यार, लोग परेशान हो गए, लोग बंधे पे मजबूर हो गए, अब आप जो है वो गैस छीने कल आप पानी छीने। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद खान साहब जो है ना वो आएंगे टेलीविजन पे, कहेंगे जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीनी आटा चावल पेट्रोल गैस सब छीनेगा तेरा फैजल।